अच्छा, तो तुमने सुना कि वो दोनों क्या बातें कर रहे थे? तुम साय की तरह अभिमन्यु के पीछे रहो, अगर कोई भी खबर हो तो तुरंत मुझे फोन करना, ठीक है? किससे बातें कर रहे थे तुम? मैंने एक आदमी को परमानेंटली अभिमन्यु के पीछे लगा दिया और उससे कहा है अगर वो कोई भी हरकत करे तो मुझे बता। उसी का फोन आया था और वो कह रहा था कि आज अभिमन्यु बाबूराम के घर के आसपास घूम रहा था। कोई और प्लान तो नहीं चल रहा उसके दिमाग में? पता नहीं मैम, कहीं अभिमन्यु ने शिवानी को असली वसीयत के बारे में तो नहीं बता दी? नहीं, अभिमन्यु इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगा, पर हां कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है उसके दिमाग में, और ये तो हमें रघु और शिवानी से मिलकर ही पता चलेगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि रघु और शिवानी हम दोनों से मिलने के लिए तैयार होंगे? लो जी, चाय पी लो। वो हम कहना चाहते हैं कि हम यहां के घर से थारा कीमती जेवर गायब हो गया, उसको घणो अफसोस है हमें बेबी जी। हो सके तो हम लोगों को माफ कर दो। नहीं नहीं, जो कुछ भी हुआ उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आप प्लीज माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम तो बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि नानी, नानी! सबके घर पे दिवाली के लिए सुंदर सुंदर लड़ियां लग रहे हैं, हमारे घर पे कब लगेंगे? दिन भर सैतानी कर करके थकान कोने होवे थारे को? जब देखो पटर पटर करती रहती है। जाके सो जा। रघु मामा, सोनू मीना रानी, सबके घर पे लड़िया लगा है, हमारे घर पे भी लगाओ ना। कोई लड़ी बड़ी नहीं लाएंगे रघु मामा, इस बार हम लोगों के घर में दिवाली कोनी मनेगी, समझी तू? जा जा यहां से। निशी बेटा बात सुनो, अच्छे बच्चे ऐसे रोते नहीं है, हम आपके लिए। निसी, रोना बंद करती है, दूं एक झापड़। जा जा के सो जा। निसी बेटा, रोना नहीं, रोते नहीं अच्छे बच्चे, हम दिवाली जरूर मनाएंगे। सच? घर में पीसा है नहीं, ऊपर से जेवर चोरी हो गया, ऐसे में काय खाक मनाएंगे दिवाली? अच्छा बताओ आपको कौन कौन से रंग की लड़ियां पसंद है? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। अरे वाह, हमें भी बिल्कुल यही रंग पसंद है, हम तुम्हारे लिए ये सारी लड़ियां लेकर आएंगे। आपके पास कितने पैसे हैं? हमारे पास ढेर सारे पैसे हैं, और हम उन पैसों से आपके लिए फुलझड़ियां, पटाखे, मिठाइयां और सब कुछ लेकर आएंगे। अभी जाकर मैं अपने फ्रेंड्स को पता कराती हूँ। ठीक है। क्यों बच्ची को बहला रही है बेबी जी? आपको नहीं पता हमारे घर की क्या कंडीशनिंग है, ऐसे में हम कैसे दिवाली सेलिब्रेटिंग कर सकते हैं? लेकिन दिवाली तो साल में सिर्फ एक बार आती है ना माया जी, आप सब गहनों के बारे में भूल जाइए। और हम सब इस बार धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, आप हमारी बात मानेंगी ना मां?
रघु तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो कि हम दिवाली मनाएंगे। प्लीज। हो जाएगा बेबी जी। सिर्फ हो जाएगा से काम नहीं चलेगा। तुम्हें निशी के लिए कौन कौन से रंग की? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सब रंगों की लड़ियां लानी पड़ेंगी। अब जाओ और जल्दी से लेकर आओ। जी। तो हमारे मेहमान, और मेहमान तो भगवान स्वरूप हो गए, तो थारी बात कहीं टाल सके हैं। अब तो खुश? थैंक यू बेबी जी, मामी जी। एक बार दिवाली का त्योहार बीत जाए फिर हम हमेशा के लिए यहां से चले जाएंगे। प्रणाम भैया। अरे गोपी, अचानक कैसे आना हुआ? अचानक कहां भैया, दिवाली है तो हमने सोचा कि दिवाली घर में ही मनाते हैं। चलो बहुत अच्छा किया, आओ आओ अंदर तो आओ। भैया ये कौन है? अरे ये आदमी बहुत दिन पहले खाई के किनारे बेहोश पड़ा था। अच्छा। तो मैं इसे घर ले आया, बहुत बुरी हालत थी बेचारे की। जाओ हाथ मुंह धो लो, सामान हमको दे। नहीं भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम खुद ही रख लेंगे ना। शादी में उन्हें तोहफा देना चाहता था, पता नहीं कब दे पाऊंगा। रघु, क्या बात है बापू? बेटा रघु, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि बेबी जी को इतने दिना हो गए इकट्ठे रहते हुए, बेबी जी के भाई भाभी एक बार भी उनकी खबर लेने नहीं आए। ऐसी बात नहीं है बापू, बेबी जी से फोन पे बात होती रहती है, हाल चाल पूछते रहते हैं। हाँ फिर भी दिवाली तो बेबी जी को हवेली में ही मनानी चाहिए ना। मालिक सर के बिना किसका मन करेगा हवेली में दिवाली मनाने का? वो तो ठीक है, पर बेबी जी के भाई भाभी को उनसे मिलने दिवाली को तो आना चाहिए ना। पूछता हूँ बेबी जी से, अगर उनकी कोई फोन पे बात हुई है तो। हाँ बेबी जी, इसको बस ऐसे ही फिलिंग करना है। थैंक यू माया जी, अब हमें थोड़ा थोड़ा रंगोली बनाना तो आ ही गया। अब एक काम करते हैं, हम बाहर से फ्रेश फ्लावर्स ले आते हैं, पूरे घर को लड़ियों से सजा देंगे। हाँ थारे भैया भाभी कौन नहीं आ रहे थारे से मिलने? उनसे फोन पर के काय नहीं मंगवा लेती खूब सारे फूल? मैडम इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती। ओहो, रघु कहाँ रहता है?
आगे जाके राइट में अंदर। जरा प्लीज साइड में हट जाइए। आइए मैडम। एक्चुअली वो लोग तो आना चाहते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम खुद ही चले जाएंगे, तो और वैसे भी बस्ती में आना बहुत मुश्किल है, इसलिए हाँ बस इसीलिए हमने सोचा कि हम खुद ही चले जाएंगे। लारी गवार देखे देखिए ना। आई दिखाई नहीं देता बदतमीज, जाओ गिनी तू ये। बेबी जी हमें कुछ करना होगा, आज दिन भर के लिए कहीं बाहर जाना होगा हमें। हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हमें क्या करना है हमने सोच लिया है। वैसे बेबी जी अब हवेली में कैसे दिवाली सेलिब्रेटिंग करती थी? अरे तो कोनी जाने है माया, यो पीसा वाले लोगों की दिवाली एकदम अलग किस्म की हो गई, घनी चमक दमक वाली। कितने मजे करेंगी ना बेबी जी, मैं भी चलूं आपके साथ हवेली। तू चुपचाप काम कर अपना, मैं देखता हूं जाकर। की ही बात कर रहे थे, आपने अगर सोचना की होती तो गिफ्ट अंदर रख दीजिए। इतने सारे गिफ्ट, दिवाली का मौका है, खाली हाथ थोड़ी ना आती। सबके लिए गिफ्ट लाना तो बनता है ना? ओह माय गॉड, बीबी जी की भाभी जी तो बहुत सारी गिफ्टिंग लेकर आई है। और रघु कैसे हो तुम? ओ शिवानी हम बता नहीं सकते हम तुम्हें कितना मिस करते। अच्छा बताओ तुम ठीक तो हो ना?
और रघु, तुम शिवानी का ठीक से ख्याल रख रहे हो ना? ये दोनों बातचीत करो, मैं थाके वास्ते कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं भाभी? हम ये सारी बातें अकेले में भी कर सकते हैं। चले, तुम्हारा कमरा कहाँ है? बताओ, तुम्हारा कमरा कहाँ है? चलिए। अच्छा, तो ये है तुम्हारा कमरा? क्यों आई हैं आप यहां? हमने पूछा आप यहां क्यों आई हैं? शिवानी, ऐसे परायों की तरह सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम नहीं जानती हम तुम्हें कितना याद करते हैं। सच पूछो तो तुम्हारे बगैर पूरी हवेली सूनी पड़ गई। अच्छा, अगर यही बात थी तो भैया ने हमें घर से क्यों निकाला? शिवानी, तुम तो अपने भैया को अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें लेकर उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी। मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं माने, उल्टा मुझे ही कसम देकर उन्होंने मजबूर कर दी। वरना तुम ही सोचो, क्या मैं तुम्हें घर से निकालने देती? नहीं ना। सोचो शिवानी, ये किसके बारे में टॉकिंग कर रहे हो आप लोग? किसको घर से निकाल दिया? वो कुछ नहीं, एक्चुअली हमारी हवेली के एक एम्प्लॉय को निकाल दिया, तो बस उसी बारे में हम बात कर रहे थे। झूठ क्यों बोला शिवानी ने? इसका मतलब घर वालों को सच्चाई का पता नहीं है। हाँ, वैसे भी किसी को भी घर से निकालने में आपके भैया भाभी एक्सपर्टिंग है। पर आप चिंता मत कीजिए, हम पुअर जरूर है पर घर आए गेस्ट का पूरे मन से वेलकमिंग करते हैं। ये लीजिए, पानी टेकिंग कर लीजिए। नो थैंक्स। अब हम क्या करें शिवानी? एक तरफ तुम्हारे भैया हैं और दूसरी तरफ तुम। हमें तो तुम दोनों को साथ लेकर ही चलना है। अब देखो ना, आज हम तुम्हारे भैया को बिना बताए यहां चले आए, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन्हें मना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा
और फिर हम खुद तुम्हें यहां से वापस हवेली ले जाएंगे। सच अब देखो ना, डॉक्टर परिमल अंकल के साथ जो कुछ भी हुआ उसका तो कुछ पता नहीं चला। खाई में कार तो मिली पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। दादाजी सारी बातें डॉक्टर परिमल अंकल के साथ शेयर किया करते थे, चाहे वो विल की बात हो या फिर जायदाद की। अगर आज वो होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा शिवानी, एक बात बताओ, किसी विल वगैरह को लेकर तुम्हारी डॉक्टर परिमल अंकल से कभी कोई बात हुई?